हमने क्वेश्चन कैसे बनाया है, ये लूप है और लूप के अंदर लूप है, राइट। लूप में करंट कहाँ घूम रहा है बेटा, इधर, बोलो। और आई जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये अपने को गिवन है। हमें ये बताना है कि अंदर वाले लूप के अंदर जो करंट है वो कैसे जाएगा। तो इसके अंदर देख, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं, कैसे लूप्स हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं। इसके अंदर है ना दो तरह के सवाल पॉसिबल होते हैं। देखिए एक सवाल तो ये वाला है, एक और सवाल जो इसके अंदर पॉसिबल है वो सवाल है ये और ये। दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। अब कैसे हैं सुन, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण देख ली तो वो बाहर ही है, इसके अंदर एंट्री नहीं है। इसमें बाहर से अंदर, इसके कारण जो सारी बाहर निकली ना मैग्नेटिक फील्ड, वो वाली लाइंस इसके अंदर एंट्री मार रही है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। वही वाला केस जो हम लोग मैग्नेटिज्म में इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करने के कारण अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें अगर मान लो मेरे को करंट ऐसे दे दिया आई, और वो कैसे दे दिया, इंक्रीज करता हुआ, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, पूरे के लिए ही बाहर होगी। ऐसे ही इसमें भी पूरे के लिए कहां होगी, तो अगर आई इसमें बढ़ रहा है तो इसके अंदर जो यहां मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखेगी क्या वो भी बढ़ती हुई दिखेगी, और कहां होगी, बाहर की तरफ, और कहां होगी, बाहर की तरफ, बोलो, होगी। अब बाहर के बढ़ने से करंट आया है तो वो क्या बाहर के बढ़ने का ऑपोजिशन करेगा, करंट क्यों आया है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से, वो इसको ऑपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, बोल करेगा कि नहीं, तो वो करंट कैसे घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज अंदर, जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाए, जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां आ जाए। तो ये करंट जो है आई इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात सभी लोगों को। अब इस वाले क्वेश्चन पे एक बार यहां पे सब लोग प्लीज वंस हियर। आई देख कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है और इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर और वो इस वाले लूप में एंट्री मार रही है, ठीक है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी बी बाहर है वो इसके लिए कहां है, और ये बी जो है ये इंक्रीजिंग है, ये वाली बी क्या कर रही है, तो ये वाली बी अंदर को इंक्रीज करेगी, बोल सही है, ये वाली बी कहां करेगी, अंदर को, ये ऐसे आ रही है बी, यूं आई और इस वाले लूप में एंट्री मारी है ऐसे, देख पा रहे हो। अब ये वाली बी क्योंकि इस करंट के बढ़ने के कारण बढ़ रही थी तो इसमें बी अंदर की तरफ बढ़ रही है, बोलो सही। ये जो बी अब अंदर की तरफ बढ़ी, इस बी के बढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या देख लिया कि अब करंट ऐसे घुमाओ कि ये वाली बी अंदर की तरफ घटे, तो करंट ऐसे घुमा लो जिससे कि बी बाहर आ जाए, क्योंकि ये अंदर बढ़ने से आई है, बी अंदर बढ़ाने की जगह आप बी कहां बढ़ा दो, जिससे आपका करंट कैसा आ जाए, क्या ये सही है। तो आई इज वॉट, एंटी क्लॉक। अभी आया सबको समझ में, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोगों ने इस तरह से एक स्क्वायर और ऐसे हम लोगों ने एक लूप लिया, ठीक। इसमें अपन लोग करंट कैसे ले लें, ऐसे ले लें, ऑपोजिट, वैसे तो ऐसे ले लो तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे ये दिया हुआ है और आई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेरी गुड, आई डिक्रीज कर रहा है, ये मुझे गिवन है और इसके बारे में बताना। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंट्री करेगी अलग से अंदर की तरफ, मतलब इसमें अंदर आएगी क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इसमें अंदर एंट्री मार, इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अंदर की तरफ एंट्री मार रही है, और क्योंकि उसने अंदर एंट्री मारी तो इसके अंदर बी जो है वो ऐसे, बोलो सही है। इस करंट के घटने के कारण क्या जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड थी वो घट रही थी, मतलब इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, तो करंट ऐसे बहेगा कि वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए या घटाए, बढ़ाए। अंदर घटने के कारण करंट आया है तो वो अंदर बढ़ाएगा कि घटाएगा, अंदर बढ़ाने के लिए वो बाहर लाएगा करंट, वो बाहर लाएगा मैग्नेटिक फील्ड या अंदर लाएगा, अंदर लाने के लिए क्या क्लॉकवाइज घुमाएगा, आई कैसा आ गया, क्लॉकवाइज।
लूप, सभी लोगों को फील आती है, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा। तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, बढ़िया सवाल है, ढंग से कर लेना। कुछ अपने मन से चीज़ें लिखना चाहो इनके अंदर तो लिख लेना, ठीक है। आओ, स्नेहा रंगीन कपड़े कैसे, सर्दी लग रही है? ओ सर्दी आ गई, चलो सुनो। मान लेते हैं ये अपने आस में एक मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट आप लोग जानते ही हैं। ये मान लेते हैं साउथ है, साउथ पोल उसका, और ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है उसका, ठीक है। यहाँ अपने पास में एक लूप है और इसको यहाँ वेलोसिटी दे दी गई। आप यहाँ खड़े हुए हैं, और इसको चेक करें, ये आपकी आंख है बेटा, ये क्या है आपकी आंख है? गलत जगह बाल बन गए आंख, ठीक है। आंख से आपने इधर से देखा तो देख, अगर वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो बोल करंट आएगा उसमें नहीं आएगा? आएगा, आएगा। आपको उसी करंट की डायरेक्शन बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया? बार मैग्नेट को हम लोग इस वाले लूप के पास में लेकर जाना है, आपको बताना है इसके अंदर अगर करंट आएगा तो करंट कैसे घूमेगा। सवाल असली में ये है, ये लूप यहाँ पर आपका सुई, समझ गए, और बार मैग्नेट का नॉर्थ इसके पास, साउथ दूर, ठीक है। तो सुनो कैसे करना है, सुनिए, पहली पहली बार है, नहीं होता, ध्यान दीजिए। इससे मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर निकलती है नॉर्थ से और साउथ में एंट्री मारती है, याद करो, याद है सबको? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा, इस तरह से जा रही होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना, पास जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो बी जो है वो इंक्रीजिंग है, और बी के बढ़ने के कारण ही करंट आएगा लूप पे। आपकी मैग्नेट जैसे जैसे इस लूप के पास जा रही है तो बी बढ़ रही है या घट रही है? बी अगर बढ़ेगी तो लूप में करंट आएगा, बिकॉज बी इज चेंजिंग, व्हाट एवर चेंजेस बी और एरिया और थीटा, क्या करंट आता है? फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, याद है ना? व्हेन एवर देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी करंट इन द लूप, बोलो सही है? वेरी गुड। तो चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स किसके कारण हुआ? बी के बढ़ने के कारण, क्योंकि मैग्नेट जो है वो पास जा रहा था नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वॉज मूविंग नियर। तो ये अपने अंदर करंट कैसे लाएगा कि ये बी के बढ़ने को अपोज करे, बी के बढ़ने को अपोज करे मतलब ये चाहेगा मैग्नेट दूर जाए, या फिर इस बी को कम करे। बी को कम कब कर पाएगा? जब इस तरह से हाथ घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नहीं देखा, ये लूप है, ये इस लूप में ऐसे करंट आएगा तभी तो काम चलेगा जिससे बी इधर आ जाए, बोलो सही है? तो ऐसे आई कैसा आ गया बेटा आपका? एंटी क्लॉकवाइज। समझ ही नहीं आया? अबे एंटी क्लॉकवाइज, उस तरफ देखना, आंख उधर लगाना, जब आंख यहां बनाई है तो तू भी वहीं देख, मुझे क्या देख रहा है? ये हुआ ना क्लॉकवाइज मेरे लिए। तो और आसान तरीका बताया तुम, एन बना ले, ये देख, जब नॉर्थ को पास ले जाते हैं तो नॉर्थ पोल बन जाता है, डिजाइन से एन बना थोड़ा सा। अरे एन नहीं दिखा तेरे को? और आसान तरीका बताऊं, यहां मैग्नेट बना ले, नहीं अपोज करेगा ना बी को बढ़ने को, बी को बढ़ने को कौन अपोज करेगा जिसका नॉर्थ या साउथ या, यही तो अपोजिशन लाएगा, और कोई थोड़ी ना लाएगा। तो आप ऐसे सोच लो कि वहां पे एक मैग्नेट उल्टी दिशा से ऐसे आ रही, तो रिपेल करेंगे। दो तीन तरीके हैं सोचने के, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप तो नॉर्थ पास दिखे और इससे पास आ रहा हो तो नॉर्थ पोल बना लो, क्या हो गया? yes, यहां पे एन लिख लो, खत्म। और क्योंकि ऑपोजिशन है इसीलिए यहां पर एक मैग्नेट इमेजिन कर लो कि यहां पे नॉर्थ पोल था यहां पे साउथ पोल था, जो इस वाले नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा, ठीक है। लिख लीजिए,
है बेटा? मिरर इमेज। डन। देखो लैंग्वेज लैंग्वेज कुछ लिखनी हो ना अपने हिसाब से लिखते रहा करो यार, फिर क्या है ना बाद में पता नहीं लगता और चिड़िया जो है वो खेत चुप के चली जाती है। लो नया सवाल करता अब बताओ। ऐसे नहीं बोलना होता ना हवा में, सोच समझ के बोलना होता है ना बेटा। आंसर तो दो ही हो सकते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक। सोच के बोल, जल्दबाजी क्या है? सेम सेम, आंख देखकर बोला करो आंसर। क्लॉकवाइज ऑपोजिट, जल्दी बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, दो ही ऑप्शन है, एंटी या क्लॉक। एंटी या क्लॉक, पक्का? नजर आ गया, चलो चेक करते हैं किस तरह से नजर आया भाई, हमको ध्यान दें। इस बार देख, इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं, पर इस बार इधर है। साउथ में तो एंड होती है ना, तो ऐसे मत करना कि साउथ से भी उधर निकाल दो, ठीक है? तो इस बार उसकी तरफ आ रही है बेटा, साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ आ रही है और दूर जा रहे हैं मैग्नेट, तो बी की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। बी घटने के कारण करंट आएगा, बी घटने के कारण करंट आएगा। तो करंट कैसे आता है कि वो अपने कारण का खात्मा करना चाहता है, क्या मुझे याद है? करंट ऐसे आता है कि वो अपने बनाने वाले को ही मारना चाहता है। बनाने वाला कौन था? बी का घटना। तो ये बी के घटने को क्या बढ़ाना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। तो साउथ के पास में क्या नॉर्थ लाना चाहेगा? वेरी गुड, वापस से क्या बना दिया आंसर? नहीं आया समझ? ये वही तो है। नहीं आया समझ में? क्या ये बी के घटने को बढ़ाना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा तो इसी डायरेक्शन में बी लाएगा, इसी डायरेक्शन में लाएगा तो इधर ही लाएगा। समझ में आती है बात? ये ऐसे घूम रहा है मस्त, ठीक है? इस बार बता कौन सा पोल डेवलप, नॉर्थ साउथ? वही हुआ जो पहले था, पहले रिपल्शन था, अब क्या अट्रैक्शन है, डिफरेंस बस ये, ठीक है? आओ बेटा और देखते हैं। लूप, मैग्नेट, थोड़ा नीचे बना लेता हूं। ठीक है, और दो अलग अलग केस, एक बार लूप ऊपर है बेटा, एक बार लूप नीचे है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है? और ये जो मैग्नेट अपने को दिया हुआ है, इसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, यहां पर भी साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, इसको यहां पर रिलीज किया गया, इट वॉज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, है ना? फ्री फॉल करा दिया ऐसे, नीचे लूप था, ये मैंने छोड़ दिया मैग्नेट को, ऐसे जाएगा नीचे। पहले केस में आपको बताना है इसमें करंट कहाँ होगा, फिर बोलिए ऐसे पार कर जाएगा, पार करके नीचे जाता रहेगा,
तो इस वाले केस में भी बताना है आपको करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है? या चलो करंट की डायरेक्शन छोड़ो, नया सवाल पूछते हैं, सुनिए, लेट्स लीव द डायरेक्शन ऑफ करंट, सवाल को नए तरह से देखते हैं। चार ऑप्शन दे रहा हूँ, मान लिया इसका एक्सेलरेशन जो है वो ए है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा इट शुड बी लेस देन जी, इट शुड बी ग्रेटर देन जी, इट शुड बी इक्वल टू जी, चौथा बोलो है? ठीक है करो, ध्यान से करोगे आ जाएगा। और कोई? यही आ रहा है सबका, वेरी गुड, गलत जवाब। और कोई? इक्वल टू जी, दोनों पार्ट्स का, फर्स्ट पार्ट का, एक और गलत जवाब। और कोई? और तो ऑप्शन ही क्या है सर, क्यों मजे ले रहे हो? अच्छा पहले पहले वाला केस देखते हैं, आओ देखें पहले वाले केस में क्या बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ा रहा है, पास जाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना, ये जब इसके पास की तरफ जाता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है तो यहाँ पे क्या नॉट डेवलप होगा, तो इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये लेस देन जी नहीं हो जाएगा, खत्म पहला पार्ट। तो दूसरा गलत था ना, मेरे को तो दोनों के आंसर चाहिए था ना, जब तक दोनों सही नहीं दोगे तो ये तो गलत ही होगा ना। यार बोला कर तू, वही जो बोले थे, यहाँ क्या डेवलप होगा, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ होगा, इस कारण क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो ए विल ऑलवेज बी लेस देन जी, बोलो होगा कि नहीं? तो पहले पार्ट का आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट, ये नीचे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? कम हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये क्या चाहेगा, बढ़े, तो यहाँ पे क्या डेवलप करेगा, नॉर्थ साउथ बोल करेगा कि नहीं? ये नॉर्थ तो इस साउथ को अपने पास खींचेगा, जी तो नीचे है ये अपने पास खींचेगा, तो ए वापस से लेस देन जी होगा, तो दोनों का ही आंसर क्या है, ए लेस देन जी।